और कोरोना को लेकर बिहार में भी हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। वहां भी मरीजों के लिए बेड तक की कमी हो गई है। इसी मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार भी हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। सीधे चलेंगे पटना, जहां हमारे स्थानीय संपादक एस के राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय एस के राजीव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? वो 30,000 के पार पहुंच चुका है और आज 12 बजे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आज सुबह से लेकर के 12 बजे तक 9 मरीज जो हैं वो पटना में दम तोड़ चुके हैं, जो कि 5 पटना पीएमसीएच में और 4 एनएमसीएच में, और कई की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। ऑक्सीजन की स्थिति यह है पटना में कि ऑक्सीजन जो वो मिल नहीं पा रहा है। हालांकि इन सबके बीच सरकार का यह दावा लगातार है, अभी तो जो पहले पटना के डीएम ने किसी किया था और यह कहा था कि ऑक्सीजन की कहीं भी कोई किल्लत जो है वो पटना में नहीं होने दी जाएगी, लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जो ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन तमाम मुद्दों को देखते हुए नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और अब थोड़ी देर बाद, मुझे लग रहा है कि लगभग 5 मिनट बाद जो है वो सीएम की यह आपात बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और उस बैठक में कई मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी छन करके आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है कि इस मीटिंग में वीकली, यानी कि जो वीकेंड जिस तरीके से राजस्थान और दिल्ली सरकार ने अभी वीकेंड लॉकडाउन किया है, उस तरीके से लॉकडाउन जो है वो बिहार में भी किया जाए और शुक्रवार यानी कि आज शाम से लेकर के और सोमवार सुबह तक जो है ये लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से बिहार में किया जाएगा। इसके अलावे क्योंकि नीतीश कुमार ने जो कल एक बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में अब ये बीमारियां इतनी तेजी में फैल रही है, ये बीमारियां गांव तक पहुंच रही है, तो वाकई में चिंता का विषय है। और अगर ग्रामीण स्तर पर ही कोरोना का संक्रमण जो है वो फैल जाएगा तो निश्चित तौर पर बिहार में स्थितियां जो है वो काफी भयावह हो जाएंगी। अभी तक अगर आप टोटल देश की बात करेंगे तो अभी जो सेकेंड फेज का जो कोरोना आया है उस सेकेंड फेज में कम से कम बिहार में लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना का जो बांस घाट है वहां पर वेटिंग में है, जो सब जो है वो जाने के लिए वहां पर वेटिंग में है, लिहाजा सरकार ने एक आदेश जारी किया और गुलबी घाट पर अब अन्य सबों को जो है वो भेजा जा रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि बिहार में कोरोना की स्थिति जो है वो कितनी विस्फोटक है, कितनी चिंताजनक है। जी उदय, बिल्कुल लगातार ये बातें सामने आ रही है कि बेड की कमी हो गई है, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम किया जा रहा है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेड और ऑक्सीजन युक्त बेड मिल सके? 14 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जहां पर कि अलग से बेड लगाने की बात हो रही है और अगर इसमें सरकार मतलब कहीं ना कहीं से 144 जो बेड है वो एक्स्ट्रा लगाने की बातचीत जो शुरू करके अभी सामने आई है, निकल करके सामने आई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है उदय, जो मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ कि बिहार में ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है। हालांकि जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट है, इवन की जमशेदपुर में ऑक्सीजन का एक बड़ा प्लांट है, वहां पर बिहार सरकार जो है वहां पर बात कर रही है झारखंड सरकार से कि जमशेदपुर से किस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो बिहार में करवाई जाए, तो ऑक्सीजन की काफी समस्या जो है वो बिहार में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और जो सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही है मरीजों की, उसके पीछे एक ऑक्सीजन एक बड़ी वजह है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण जो बहुत तेजी में किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो सेकेंड फेज का जो कोरोना है वो तीन दिन से ज्यादा का समय देता नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो मरीज होते हैं, आप देखे भी होंगे कई जगह पर, उनको सांस लेने में काफी दिक्कत होती है और उनको वेंटिलेटर के सहारे जो है वो जिंदा रखा जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने, वो चुनौती है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था जो है वो जो है वो बिहार में करे। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 14 अस्पताल को चिन्हित किया गया है जहां पर कि इसका अलग से इलाज किया जाएगा, वहां पर 144 या फिर 188 करीब बेड अलग से जो है वो लगाए जाने का आदेश सरकार ने दिया है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के पूरे सख्ते में सरकार आ गई है और यही वजह है कि जो कल सर्वदलीय की बैठक होनी है गवर्नर के नेतृत्व में, उसमें सभी पार्टी के लोग बैठेंगे और नीतीश कुमार ने यह कहा था कि 17 तारीख की बैठक के बाद जो है वो निर्णय लिया जाएगा कि बाकी बिहार में क्या करना है। लेकिन आज जिस तरीके से 12 बजे तक में ही 9 मरीज बिहार में पटना में दम तोड़ चुके थे, उसके बाद अचानक हम लोगों के पास खबर आती है कि 4:30 बजे एक आपात बैठक जो है वो सीएम ने बुलाई है और थोड़ी देर बाद वो बैठक शुरू होने वाली है, करें निर्णय जो है वो नीतीश कुमार कोरोना को देखते हुए लेंगे। और कल विधिवत नीतीश कुमार ने इशारों में इस बात के संकेत भी दे दिए थे कि जो मीटिंग होगी उसके बाद बिहार में हो सकता है कि लॉकडाउन आने वाले दिनों में लगाया जाए, लेकिन अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू हो रही है और मीटिंग जब खत्म होगी तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि बाकी मीटिंग में क्या कुछ छनकर निकलकर सामने आता है। जी उदय, चलिए एस के राजीव, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिया जाता है। ऐसे विशेषज्ञों की मानी जाए तो लॉकडाउन को ही अब एकमात्र विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।